गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैथ्स के इस बैच में आप सभी बच्चों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट की जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया हुआ था। और इंट्रोडक्शन में एक्चुअली इसके इंट्रोडक्शन में था ही ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट थी, तो डिटरमिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो वही हमने स्टडी की थी। तो मुझे लगता है कि मैंने 6 प्रॉपर्टीज वहाँ पर थी और वो 6 प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद हम लोग आज रेडी हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना उनको सॉल्व करेंगे। तो हमेशा की तरह जैसे एक्सरसाइज 4.2 है तो उससे पहले आपके पहले एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो पहले एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। ओके, तो आज हमारी जो क्लास है वो 4.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और 4.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो 6 नंबर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 से 5 तक तो 4.1 से पहले थे, तो यहाँ 6 नंबर से एग्जाम्पल आपके स्टार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल भी आपके 6 नंबर एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले नहीं था, पहले 7 था। तो 6 नंबर एग्जाम्पल पे लिखा है वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 फॉर दिस डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट हमारे सामने है और इस डिटरमिनेंट के लिए ना हमें प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करना है। अब सबसे पहली चीज तो ये है, आपको याद करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी 1 क्या थी, और जब प्रॉपर्टी 1 आपको याद आएगा तभी तो हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, प्रॉपर्टी 1 में आपको ये बताया गया था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, डिटरमिनेंट की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज कर दें उसके बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हमको बताया गया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में। आप देख सकते हैं जो नोट्स आपने बनाए हैं वहाँ आप देख सकते हैं, आप बुक पे जा सकते हैं, बुक पे देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि इफ वी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट देन इट्स वैल्यू शुड नॉट चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वही मैं इसको वेरीफाई करके, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो पहले मैं जैसे ये मैट्रिक डिटरमिनेंट है पहले एज इट इज़ इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी हम रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देंगे और वो जो नई डिटरमिनेंट मिलेगी उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि जो उन्होंने बोला कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो देखना ये है कि जो वैल्यू बाद में मिलेगी क्या वो वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू था उसकी इक्वल आती है। तो सबसे पहले तो मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखें डेल्टा, सबसे पहले मैं इसी को नोट कर लेता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 2 माइनस 3 5 एंड 604 604 और लास्ट रो में है 1 5 माइनस 7 1 5 माइनस 7, ऐसे ये है। तो ये डेल्टा की वैल्यू, अब इसको मुझे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के लिए 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है इसलिए हमें एक्सपेंशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और एक्सपेंशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि इजी रहेगा अगर आप एक ऐसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिलें। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे या तो इस कॉलम या तो इस रो में एक जीरो मुझे मिल रहा है, एक भी जीरो मिलेगा तो वो एक टर्म ही आपको कम से कम कम सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम करेंगे ये कि आर टू के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग आर टू, क्योंकि इसमें एक जीरो मिलेगा आपको, एक्सपेंडिंग अलोंग आर टू। हाँ, एक्सपेंड करने से पहले उसके साइन भी मुझे बनाने पड़ते हैं, तो आर टू के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। आर टू का ये एलिमेंट नॉन डायगनल है, नेगेटिव होगा, ये डायगनल है पॉजिटिव, ये नॉन डायगनल नेगेटिव, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि डिटरमिनेंट में जितने नॉन डायगनल एलिमेंट्स होंगे उनके साइन के लिए नेगेटिव लेंगे और जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे उनके लिए पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या रीज़न है उसके पीछे आपको सब डिटेल में बताया गया है, आप जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अभी डिटरमिनेंट में केवल 3 पार्ट्स ही आपके अपलोड किए गए हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आप उनमें से जो प्रीवियस आपके
वीडियोस हैं उनमें जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी कि क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। R2 का फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिला 6 और -6 मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे। अब देखो इधर से ये और दोनों तरफ से 6 को कवर कर देना है आपको। जब दोनों तरफ से 6 कवर कर देंगे तो आपके पास बचेगा -3 5 -7 तो ये हो जाएगा -3 5 और ये 5 -7 ऐसे हो जाएगा ये। ओके इसके बाद अगला हमारा एलिमेंट 0 मिलेगा तो 0 ले लेंगे। 0 के साथ आप कुछ भी लिखेंगे वैसे आना उसको 0 ही है। तो अभी इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। तो जब 0 को कवर करोगे ऐसे दोनों तरफ से तो 2 5 1 -7 बचेगा। तो ये बचेगा 2 5 1 -7 2 5 1 -7। उसके बाद का एलिमेंट ये 4 है और इसके साथ नेगेटिव साइन मुझे लेना पड़ेगा। अब दोनों तरफ से मुझे 4 को कवर कर देना है लाइक दिस। सो दिस इज 2 -3 1 5 2 -3 1 5 नाउ वी विल कैलकुलेट दिस डिटर्मिनेंट। सो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21। तो ये आएगा 3 7 जा 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5 5 जा 25। ये बेटा पूरा 0 हो गया। क्यों फालतू टाइम वेस्ट करने करेंगे और उससे कोई फ़ायदा मिलना नहीं है आपको। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 होगा। 1 को -3 से करेंगे -3 आएगा और वो -3 इसको प्लस कर देगा। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी -6 21 -25 दिस विल बिकम -4 -4 दिस इज 13। देन डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज 24 -52 डेल्टा इज इक्वल टू आप माइनस करेंगे ये -28 आपको मिल जाएगा। 12 में 4 गया 8 4 में 2 जाएंगे 2 और माइनस का मिल जाएगा। तो ये जिस तरीके की डिटर्मिनेंट मुझे गिवन है अगर एज इट इज़ इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो मुझे -28 मिलती है। अब प्रॉपर्टी 1 को के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूंगा। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो हमें एक डिटर्मिनेंट मिलेगी। हम उस डिटर्मिनेंट को -1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो रोज को कॉलम्स में चेंज करिए। रोज है 2 -3 5 फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में आप चेंज कर दीजिए 2 -3 5 6 0 4 तो 6 0 4 है। फिर 1 5 -7 है ऐसे। अब इसे आप थोड़ा सा सॉल्यूशन करिए इसका, इसको भी कैलकुलेट करिए। तो आप इसमें चाहे तो R2 के अलाउंग करिए, जिसमें 0 पड़ रहा उसी के अलाउंग कर ले, या अगर आपको लगता है कि अगर मैं इसको अलाउंग ना करूं तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 0 जिसमें नहीं पड़ेगा अगर आप उसके अलाउंग भी एक्सपेंड करेंगे आंसर तो भी आएगा बेटा वही। अब मैं करके आपको दिखाऊंगा। मैं इस बार 0 वाले के अलोंग नहीं करूंगा, मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। इंटरचेंज तो मैंने कर लिया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू के इक्वल आ जाती है देन प्रॉपर्टी 1 वेरीफाई हो जाएगी। सो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 आप और किसी के जिसके रिस्पेक्ट में आपको जिसके अलोंग चाहिए उसके अलोंग कर लें। एक्सपेंडिंग along R1 R1 के along expand कर देते हैं। तो -1 R1 का, हाँ इसके साइन तो डिसाइड कर लीजिए। ये डायगनल है पॉजिटिव, 9 डायगनल नेगेटिव, डायगनल है पॉजिटिव। अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे तो ये +2 आ जाएगा। दोनों तरफ से 2 को आप ढक देंगे इस तरह से तो ये 0 5 4 -7 0 5 4 -7। नेक्स्ट है 6 जिसको नेगेटिव साइन के साथ लेना है। दोनों तरफ से 6 को आप कवर कर देंगे -3 5 5 -7 -3 5 5 -7 -3 5 5 -7। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 1 है तो मैं यहाँ पर +1 लिख दूंगा।
अब दोनों तरफ से हम 1 को कवर कर देंगे ऐसे, और अब आप देखिए बचेगा माइनस थ्री ज़ीरो फाइव फोर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -4 5 20। -6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 -25। फिर +1 लिखा हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -12, और इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा ये डेल्टा 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -40 होगा, 21 में 25 माइनस होंगे -4 आएंगे, -4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। और इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो -40 है, यहाँ 24 -12 कर देंगे तो +12 बचेगा, और -40 +12 करेंगे दिस विल बी -28। अब आप बेटा देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं जो मैंने जो डिटरमिनेंट मुझे दी गई थी उसकी वैल्यू निकाली -28 आई। मैंने फिर उस डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर देने के बाद जो डिटरमिनेंट मुझे मिली डेल्टा 1 मैंने उसकी भी वैल्यू निकाली तो भी -28 आई। तो मैं लिख सकता हूँ हेयर डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा, मीन्स अगर हम रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो मैं डिटरमिनेंट आपको मिलेगी उसकी वैल्यू आपकी पहले की डिटरमिनेंट की इक्वल ही आएगी, वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी। और यही प्रॉपर्टी नंबर 1 में मुझे वेरीफाई करके देना था। नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सेवन में इन्होंने बोला है वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। आपको एक डिटर्मिनेंट गिवेन है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 में, और इस एग्जाम्पल 7 में एक डिटर्मिनेंट गिवेन है, और उसके साथ आपको करना ये है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 जो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 को वेरीफाई करना है। एक बार फिर से पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 एक्चुअली थी क्या प्रॉपर्टी, क्या बताया जा रहा था उस प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में बेटा आपको ये बताया गया था कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ऐसी सिचुएशन पर उसकी वैल्यू तो सेम रहती है पर उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इफ़ द टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड इन एनी डिटर्मिनेंट देन इट्स साइन विल बी नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ा सिंपल सा है, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आपको इंटरचेंज कर लेने हैं और करके फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। देखना ये है कि क्या वैल्यू उतनी ही आती है साइन चेंज हो करके, ये देखना है मुझे। तो देखिए सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट मुझे दिया गया है पहले इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा। तो डिटर्मिनेंट दैट इज गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन 2 - 3 5 2 - 3 5 6 0 4 6 0 4 एंड लास्ट रो इज 1 5 - 7 1 5 - 7 ये दिया गया है। और बेटा मुझे लगता है यही डिटर्मिनेंट तो यहाँ थे 2 - 3 5 2 - 3 5 6 0 4 और 1 5 - 7 1 5 - 7 पूरी डिटर्मिनेंट वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो काफ़ी आसान हो गया मेरे लिए। अब आपको करना ही पड़ेगा पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ निकाली है, आप यहीं से ले सकते हैं। तो आप पीछे वाले क्वेश्चन से देख लीजिएगा इसकी वैल्यू हमें मिली थी 28 -28। तो मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको खुद से कर लेना है क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में इसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाले थे -28। तो आप इसका सॉल्यूशन यहीं से ले लीजिए। अब प्रॉपर्टी 2 को वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक। तो क्या करना चाहेंगे आप, कुछ भी कर लीजिए आप चाहें तो R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा ऑन इंटरचेंजिंग
on interchanging R1 and R2. R1 और R2 को मैं आपस में इंटरचेंज कर ले रहा हूँ। जब आप R1 R2 को इंटरचेंज कर लेंगे तो उससे हम डेल्टा 1 ले लेंगे जो हमारी नई डिटर्मिनेंट बनेगी। अब R1 और R2 इंटरचेंज करेंगे मतलब R1 की जगह R2 लिख देंगे, R2 की जगह R1 कर देंगे। तो ये यहाँ आ जाएगा 604, फिर ये आ जाएगा 2-35 और R3 क्योंकि इसमें कुछ करा नहीं तो ये ऐसे ही आ जाए। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आप चाहे जिसे सॉल्व कर लें, आप चाहें तो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, तो मैं यहाँ कर दूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। इसका कैलकुलेशन आप पिछले क्वेश्चन से ले सकते हैं। तो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो पहले तो साइन बताने पड़ेंगे। तो ये डायगनल है पॉजिटिव, नॉन डायगनल नेगेटिव, डायगनल है पॉजिटिव, इतना बना। अब आप लीजिए तो पहले तो प्लस 6 लेंगे हम, दोनों तरफ से 6 को ही कवर कर दिया जाएगा। माइनस थ्री फाइव फाइव माइनस सेवन। उसके बाद ये -2 ले लेते हैं, दोनों तरफ से -2 को कवर कर दीजिए। 0 4 5 माइनस सेवन। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसको +1 ले लेंगे और दोनों तरफ से 1 को आप कवर कर दीजिए। 0 4 माइनस 3 5, 0 4 माइनस 3 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो होगी 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस 5 5 ज़ा 25। इसके बाद ये -2 आ जाएगा यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस 5 4 ज़ा 20। अच्छा, इसके बाद ये 1 आएगा यहाँ पर और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस और 3 4 ज़ा 12। 0 माइनस माइनस 12 आएगा, वो इसको +12 कर देगा, वो इसको +12 कर देगा। डेल्टा 1 इज इक्वल टू, यहाँ -4 बचेगा, -4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, -20 -2 मल्टीप्लाई करके +40 बनेंगे। 12 वन सा 12 आ जाएगा। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए दिस इज -24 और ये आ जाएगा 52। 52 में 24 माइनस कर देंगे, दिस विल बिकम 28। अब आप देखिए डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये 28 -28 डेल्टा की वैल्यू थी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे आप चाहेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके फिर से प्लस बना लेगा इस तरीके से माइनस, और ये उस डेल्टा की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू है जो हमें गिवेन थी पहले से ही। अभी आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जब हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली तो वो तो -28 थी। इसमें हमने कोई भी दो रोज या कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए, तो मैंने R1 R2 इंटरचेंज कर दिया। आप चाहें तो और भी कोई दो रोज या कॉलम्स को आप इंटरचेंज करके देख सकते हैं। आप करने के बाद जब फिर से मैंने उसकी वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू 28 आ गई। पहले तो -28 आ रही थी, अब 28 आ गई, साइन चेंज हो गया। आप देख सकते हैं माइनस था, अब उसकी वैल्यू प्लस में बदल गई है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। उन्होंने बोला इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को आपको इवेल्युएट करना है। कोई नहीं, बड़ा आसान है क्वेश्चन। आप देखिए प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। 3 2 3 3 2 3 2 2 3, यहाँ लिख देंगे 2 2 3, फिर ये 3 2 3 आ जाएगा 3 2 3। अब बेटा देखें इसकी वैल्यू आपको बतानी है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप एक छोटी सी चीज़ अगर देखेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की ये वाली रो और ये वाली रो आप देखें दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, 3 3 2 2 3 3। तो इस डिटर्मिनेंट में R1 और R3 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, और जब R1 और R3 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे तो जरूर R1 और R3 आइडेंटिकल रोज बन जाएंगे। और आपको याद करिए कि इफ द टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल,
देन इट्स वैल्यू विल बिकम जीरो। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं, मीन्स उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर बाई प्रॉपर्टी, मुझे प्रॉपर्टी का नंबर तो नहीं याद है कि ये प्रॉपर्टी किस नंबर में लिखी थी, आप बुक से देख करके वो नंबर भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ लिख दूंगा बिकॉज इन दिस डिटरमिनेंट आर वन, रो वन एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल, रो वन एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल, देयरफोर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ according to the property of determinant, its value will be zero. तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। देखिए, इन दिस डिटरमिनेंट आर वन एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल, देयरफोर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स इट्स वैल्यू विल बी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होगी। आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टी का नंबर कि कौन सी प्रॉपर्टी में ऐसा था, पर एक प्रॉपर्टी थी जिसमें आपको ये बताया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पे। Evaluate this example. इस एग्जाम्पल को आपको इवेल्युएट करना है 9 नंबर को। चलिए इसको मैं कुछ लिख लेता हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू वैल्यू है 102, 18 एंड 36। फिर ये है 1, 3 और यहाँ पर 4। फिर 17, 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ऐसे इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आपने कम से कम 6 प्रॉपर्टीज़ डिटरमिनेंट की पढ़ी हुई हैं। अगर उन प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी आपको लगता है कि आप वो करना चाहते हैं, अगर कुछ भी लगता है कि वो जो 6 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी उनमें से एक ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुझे क्या लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ से 6 कॉमन ले सकता हूँ, मुझे कॉमन मिल भी रहा है तो मैं ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा टेकिंग 6 एज कॉमन फ्रॉम रो नंबर 1। तो हम रो नंबर 1 से 6 कॉमन कर लेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू जब इससे 6 कॉमन करेंगे आप, तो ये क्या होगा 17। यहाँ और 6 वो कॉमन लेके बाहर तो लिखना पड़ेगा ना आपको, 6 3 18, 6 6 36। बाकी जैसे एलिमेंट्स हैं आप एज इट इज़ उन्हें नोट कर देंगे। यूँ आपको याद है ना कि डिटरमिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कॉमन बना सकते थे, तो मैंने केवल इस रो से कॉमन बनाया है 6 और वो 6 कॉमन होके यूँ इस तरीके से आप देख रहे हैं बाहर आपको मिल गया है। ऐसे जैसे ही 6 हमने कॉमन लिया है तो एक छोटी सी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, आपका R1 और R3 17 3 6 दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं। नाउ R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। देयरफोर इट्स वैल्यू विल बी ज़ीरो, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इट्स वैल्यू विल बी ज़ीरो, इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अब आप देखें 6 लिखा मैंने और क्योंकि इसकी रो आइडेंटिकल हो गई हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। देखिए समझ पा रहे हैं आप, कोई डाउट तो नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी यूज़ हो गई ना यहाँ 6 कॉमन लेने के बाद, तो बड़ा इजी है। तो इस तरीके से इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 10। शो दैट दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो।
ओके, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको बनानी है और वो जीरो के इक्वल लाना है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी सी, ए बी सी, ए प्लस टू एक्स, बी प्लस टू वाई और सी प्लस टू जेड, और यहाँ पर है एक्स वाई जेड ऐसे। अब इसे आप सॉल्व करिए। अब फिर से एक छोटी सी चीज़ याद करें, डिटरमिनेंट्स की जब प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई थी उस समय एक प्रॉपर्टी ये बताई गई थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम टू या मोर एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है तो हम उस डिटरमिनेंट को टू या मोर डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पर देखो दो दो एलिमेंट्स प्लस करके दिए गए हैं, तो हम इसकी दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना के उसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा ज़रा, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये ए बी सी लिखेंगे, फिर इसके भी फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी, और ये एक्स वाई जेड लिख देंगे, एक्स वाई जेड, प्लस लगाया हमने। अब ये ए बी सी फिर से लिखेंगे, अब इसके ये जो ये वाले एलिमेंट हैं इनको नोट करेंगे, तो 2x, 2y, 2z, ये x, ये y और ये z ऐसे आ जाएगा। अब क्या होगा इसमें, आप देख सकते हैं इसका ये r1 और r2 दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। रीज़न आप जानते हो कि इन दिस डिटर्मिनेंट r1 एंड r2 आर आइडेंटिकल, देयरफोर From the property of determinant, its value will become zero. इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं चाहता हूँ कि R2 से 2 common कर लिया जाए, तो ये यहाँ पर आएगा A, B, C, और R2 से हम 2 common कर लेंगे, तो ये बन जाएगा X, Y, Z, और सबसे नीचे जो रो है वो भी X, Y, Z है। अब यहाँ पर भी my dear students आप देखेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट में R2 और R3 ये दोनों ही रोज आइडेंटिकल हो गई हैं, R2 R3 दोनों ही रोज आइडेंटिकल हो गई हैं, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ज़ीरो एंड टू मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो विल बी ज़ीरो, सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो विल बी ज़ीरो, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड पे आ गए, और आप देखिए कैसे स्मूथली हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और डिटरमिनेंट के बड़े से बड़े जो दिखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लगते हैं वो कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर डिटरमिनेंट स्टडी कर रहे हैं सो यू मस्ट नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। और अगर आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को नहीं स्टडी अभी किया है तो प्लीज़ आप जाइए और पिछला वीडियो, जो वीडियो नंबर 3 है डिटरमिनेंट के लिए जो बनाया है मैंने, उसको जाके पहले आप देखें अच्छे से, और तब यहाँ पर आके इससे ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। ओके, तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 11 पर आ जाते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 11 में हमें जो डिटरमिनेंट यहाँ गिवेन है, आप देखें कि वो डिटरमिनेंट में क्या है, ए ए प्लस बी, ए ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी ऐसे, फिर ये है 2a, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, इसके बाद 3a आएगा यहाँ पर, फिर 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b प्लस 3c, 10a प्लस 6b प्लस 3c ऐसे। इसकी वैल्यू मुझे सॉल्व करके निकालनी है, तो चलिए कैसे निकाल जा सकता है। अब देखो यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, वैसे क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम चाहें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन के नंबर्स को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी बना सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं, जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ना,
कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे और किस तरह से, और कोशिश करेंगे जब प्रॉपर्टी यूज़ ही कर रहे हैं, क्वेश्चन को इजी बनाना ही चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हमारी डिटरमिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज बने, क्योंकि जितने ज़्यादा ज़ीरोज बनेंगे आपका कैलकुलेशन उतना ही आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूँगा ये, मैं ज़ीरो बनाना चाहता हूँ तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, R2 changes to R2 minus 2R1, R1 का 2 times करेंगे, जो आएगा उसे R2 में माइनस कर देंगे, और उसके साथ R3 changes to R3 minus 3R1, R1 का 3 times करेंगे, जो आएगा उसमें उसको हम R3 में लिखेंगे। आपको ये भी याद होगा कि जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताई थी, तो मैंने बताया था कि एक साथ दो ऑपरेशंस आप मत यूज़ करिएगा, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये भी बताया था कि आप उस कंडीशन पे एक साथ दो ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं अगर पहले ऑपरेशन से जो भी रो या कॉलम अफेक्ट हुई है उसका यूज़ फिर अगले वाले ऑपरेशन में मत करना। आप जैसे देखो, इस ऑपरेशन से हमारा R2 अफेक्ट होगा, लेकिन हम यहाँ तो R2 का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना, ये कर सकते हो, नहीं तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केयरफुली सॉल्व करें और एक बार में केवल एक ही स्टेप यूज़ करें। आप अगर आप दो कर भी रहे हैं तो ये देख लें कि क्या फर्स्ट स्टेप जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उसमें से जो भी हमारी रो या कॉलम इफेक्ट हुई है कहीं ऐसा तो नहीं उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ आर टू आता तो नहीं कर सकते थे, फिर वो प्रॉब्लम था, फिर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आर टू जो इफेक्ट हुई है वो यहाँ आई नहीं है तो हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए करिए, R1 में कोई चेंज आना नहीं है तो R1 को एज इट इज़ नोट कर लीजिए, a a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका डबल करो और 2a में से इसको माइनस कर दो तो जीरो, इसका डबल करोगे तो 2a प्लस 2b आएगा, 2a प्लस 2b आएगा, उसे माइनस करना है आपको किसमें, 3a प्लस 2b में, 3a प्लस 2b में, तो 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b ये कैंसिल हो जाएगा और 3a माइनस 2a ये a बच जाएगा केवल। यहाँ पे आप इस तरीके से अलग लिख के कैलकुलेट कर लिया करो, इसका 3 टाइम्स, सॉरी इसका भी 2 टाइम्स करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 4a प्लस 3b प्लस 2 से मैं माइनस करेंगे इसका डबल, डबल माइनस करेंगे तो 2a माइनस 2b माइनस 2c, आप देखिए प्लस 2c माइनस 2c कैंसिल, 4a माइनस 2a 2a, 3b माइनस 2b ये एक भी आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हमको मिलेगा 2a प्लस b। अब ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो हम यूज़ कर लिए हैं, ये वाला, इसमें सेकेंड, अब R3 में R1 का 3 टाइम्स माइनस करेंगे, इसका 3 टाइम्स करेंगे 3a आएगा, उस 3a को 3a में माइनस कर देंगे तो इस 3a को 3 माइनस कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स करेंगे फिर इसमें माइनस करेंगे तो ये है 6a प्लस 3b, और इसका 3 टाइम्स माइनस करना है तो 3a माइनस 3b ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर केवल रह जाएगा 3a। अब इसका 3 टाइम्स करो फिर इसमें माइनस करिए आप, नहीं आई एम सॉरी, इसका 3 टाइम्स करना है मुझे तो 3a प्लस 3b प्लस 3c इसमें माइनस करना है, 10a में 3a माइनस हो जाएगा 7a, 6b में 3b माइनस हो जाएंगे 3b, और 3c में 3c माइनस हो जाएंगे तो वो तो पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा। ओके ठीक, अब देखो दो ज़ीरो ये बन चुके हैं, आप चाहें तो और भी कुछ कर सकते हैं, आप अगर ना चाहें तो आप यहीं से C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आगे आ जाएगा क्योंकि उसी लाइन में दो ज़ीरो बन चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा करना आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ एक ज़ीरो बना सकते हैं, तो मैं ये लिखना चाहता हूँ R3 changes to R3 minus 3R2, R3 को हम चेंज करेंगे R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे तो R1 और R2 विल बी अनअफेक्टेड, सो दिस इज ए, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी,
दिस इज ज़ीरो ए एंड टू ए प्लस बी. अभी क्या करना है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना है, इसमें माइनस करना है. तो ज़ीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो को ज़ीरो में माइनस करोगे ज़ीरो. इसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे थ्री ए आएगा, उस थ्री ए को थ्री ए में माइनस करेंगे तो ज़ीरो. इसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स ए प्लस थ्री बी कैंसिल हो जाएगा, सिक्स सेवन ए में सिक्स ए माइनस हो जाएगा तो एक ए आ जाएगा. आप ये कर सकते हो और भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा क्वेश्चन को मत बढ़ाइए, आप बस कैलकुलेट कर दीजिए. तो इस लाइन में भी दो जीरो हैं, इस लाइन में भी दो जीरो हैं. आपको जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अलोंग आपको अच्छा लगे उसके अलोंग आप एक्सपेंड कर दीजिए. मैं सी वन के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन. इसके एलिमेंट्स के साइन देखेंगे, डायगोनल है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. जीरो वाले तो आप समझते हैं, लिखो ही ना, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करोगे. पहले ए लिखा जाएगा और वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा और दोनों तरफ से हम ए को कवर कर देंगे. देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा ए, ये होगा टू ए प्लस बी, ये होगा ज़ीरो और ये होगा. आगे के दोनों एलिमेंट बेटा ज़ीरो हैं तो वो पूरे के पूरे टर्म ही ज़ीरो कर देंगे. इसे सॉल्व करिए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा. ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए क्यूब आ गया. और ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट किया था और सॉल्व करते करते हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया राइट हैंड साइड, ऐसे मिल गया मुझे. तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. देखिए ओके, ये आपका आंसर आ गया और सॉल्व हो गया. देखो तो यहां पर हमने सिक्स नंबर प्रॉपर्टीज यूज की, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी का यूज किया और एक नहीं दो दो तीन तीन बार यूज करा और उसके बाद जाके हमें हमारा आंसर मिल गया, इलेवन नंबर क्वेश्चन हो गया. आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा. तो जब प्रॉपर्टी नंबर सिक्स वगैरह यूज करें तो कोशिश ये करें कि अगर आप इजी बना ही रहे हैं तो आपके डिटरमिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बने, उससे आपका कैलकुलेशन जितना पॉसिबल होगा उतना इजी हो सकता है. तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12. विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. ओ, आपको इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड किए बिना ही प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है. चलिए कोई बात नहीं, करते हैं. सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूँ ज़रा, एक्स प्लस वाई जेड वन, फिर यहाँ पर आएगा वाई प्लस जेड एक्स वन, फिर ये आएगा जेड प्लस एक्स वाई वन. अब इसको हमें बिना एक्सपेंड किए, आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो पर एक्सपेंड नहीं करना. आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए आपको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, आपको रेस्ट्रिक्ट किया है बस कि आप उसको एक्सपेंड मत करिएगा. प्रॉपर्टीज़ में सिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास डिटरमिनेंट की, जो प्रॉपर्टी आपकी लगे आप लगाइए, जैसे लगे वैसे लगाइए, बस उसके अकॉर्डिंग ही चलना है आपको, रूल से बाहर नहीं जाना है. तो मैं एक छोटा सा काम यहाँ पर ऐसा करना चाहता हूँ, सबसे पहले आई वॉन्ट टू चेंज अवर आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस आर टू. मैं R1 और R2 ऐड करना चाहता हूँ, तो इसमें ये ऐड होगा तो बेटा क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड. जब ये दोनों ऐड होंगे तो बेटा ये टर्म भी x प्लस वाई प्लस जेड, जब ये ऐड होंगे तो ये भी बनेंगे x प्लस वाई प्लस जेड. उसके बाद ये z R2 एंड R3 विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि उसमें तो कोई हम चेंज कर नहीं रहे हैं. अब हम R1 जो है ना, आप देखो बेटा डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से आप चाहें तो नंबर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम नंबर कॉमन लेना चाहते हैं R1 में. देखो R1 के सारे एलिमेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हैं, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर. तो x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ वन यहाँ वन यहाँ वन, यहाँ जेड यहाँ एक्स और यहाँ वाई, ये वन 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 ऐसे. और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो R1 और R3 हैं ये आइडेंटिकल हैं बेटा,
हियर अगेन वी आर सीइंग अगेन वी आर सीइंग दैट आर वन एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल. ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं. अगर दोनों ही आइडेंटिकल हैं आर वन और आर थ्री तो फिर से डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड. और डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि इसके दो रोज आइडेंटिकल हो गए. मल्टीप्लाई होके जीरो आ जाएगा आर एच एस. और यू हैव सीन दैट वी हैव नॉट एक्सपेंडेड दिस डिटरमिनेंट. हमने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं किया है, बावजूद उसके भी हमारा आंसर आ गया है. और वही उन्होंने बोला था कि दैट विदाउट एक्सपेंडिंग यू हैव टू फाइंड आउट इट्स आंसर, यू हैव टू शो दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो. तो हमने एक्सपेंड नहीं किया, बस प्रॉपर्टीज का यूज़ किया. पहले आर वन आर टू ऐड किया, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स यूज़ किया, फिर कॉमन ले लिया हमने और वो भी एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की. और उसके बाद हमने देखा कि इसकी दो रोज आइडेंटिकल हो गई तो ये जीरो हो गया और आंसर भी जीरो आ गया. आई होप ये आपको क्लियर होगा. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. इस डिटरमिनेंट को आपको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू बनानी है आपको. कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ वन ए बी सी, वन ए बी सी, वन बी सी ए, और फिर यहाँ पर आएगा वन सी ए बी, ऐसे आ जाएगा. अब इसको आप कुछ ऐसा करिए जैसे सॉल्व करना है आपको इसमें. अच्छा ये भी नहीं बोला है कि एक्सपेंड करने का कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं लगाया है, तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक्सपेंड भी करिएगा. चलिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ. सॉल्व करके कोशिश करूँगा कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बन जाए तो बात बने. हम यहाँ पर एक काम करना चाहते हैं, आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू एंड आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर थ्री. इस वाले से आर वन इफेक्ट होगा पर आर वन हमने इसमें यूज़ नहीं किया है. चलिए पहले आर वन में आर टू को माइनस करिए, वन में वन माइनस करें ज़ीरो, ए में बी को माइनस करिए तो ए माइनस बी, बी सी में सी ए माइनस करिए आप, बी सी माइनस सी ए, सी कॉमन कर लीजिए तो बी माइनस ए आ जाएगा. तो और अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस सी ए माइनस बी बन जाएगा. माइनस कॉमन ले लिया सी और ए माइनस बी, तो ये आ गया माइनस सी और यहाँ पर आ गया ए माइनस बी. इसके बाद आप आर टू में आर थ्री माइनस करना है तो फिर ये ज़ीरो, बी में सी माइनस करना है तो बी माइनस सी हो गया, सी ए में ए बी माइनस करना है आपको, सी ए में ए बी माइनस करना है तो दोनों से ए कॉमन हो जाएगा तो सी माइनस बी आएगा. हम माइनस बी कॉमन लेना चाहते हैं तो फिर माइनस ए बी माइनस सी आएगा, माइनस ए बी माइनस सी आ जाएगा. और आर थ्री को चेंज होना नहीं है तो आर थ्री विल रिमेन एज इट इज, आर थ्री विल रिमेन अनचेंज्ड. इसको हटा देते हैं हम यहां से. अब इसे सॉल्व करें, देखें छोटी सी चीज, आर वन से आप ए माइनस बी, आर टू से बी माइनस सी कॉमन कर सकते हैं. तो आर वन से ए माइनस बी और आर टू से बी माइनस सी कॉमन ले लीजिए. ए माइनस बी अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये ज़ीरो, ये वन और ये माइनस सी, यहाँ ये ज़ीरो, ये वन और ये माइनस ए, ये वन सी और ये ए बी, ऐसा आ जाएगा. अब आप और चाहें तो एक छोटा सा ये काम कर सकते हैं कि आप आर टू में आर वन को माइनस कर सकते हैं तो एक ज़ीरो यहाँ और बन जाएगा. या मुझे लगता है देखो एक ज़ीरो बनाएंगे उसके चक्कर में एक स्टेप आप खर्च करेंगे एक लाइन, और मुझे लगता है कि सीधे इसके अलोंग एक्सपेंड कर दें तो ये काफ़ी आसान होगा आपका आंसर आना. मत करिए, कर भी सकते हैं लेकिन आप अगर करेंगे तो फालतू में आपकी एक आध स्टेप बढ़ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. आप सीधे एक्सपेंड कर दो. एक्सपेंड करने को तो उन्होंने इनकार नहीं किया है ना, तो आप कर दो. इस लाइन पे दो जीरो मिल रहे हैं तो इस लाइन के अलोंग कर दीजिए आप.
तो यहां पर मैं कर दूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो ये जो A माइनस बी इंटू बी माइनस सी है, ये तो पहले से ही लिखा रहेगा, ये तो पहले से ही लिखा रहेगा। C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें साइन देखेंगे, डायगनल है पॉजिटिव, नॉन डायगनल नेगेटिव, डायगनल पॉजिटिव, साइन लगाना पड़ता है ना मुझे। तो अब ये प्लस वन होगा पहले। अच्छा, ये दो जीरो क्यों नहीं ले रहे? अगर जीरो लेते भी हैं बेटा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलना है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आ जाना है ना उसको। तो केवल मैं वन वाले स्टेप ले लूंगा, बस दोनों तरफ से इस वन को कवर कर दीजिए, ऐसे और ऐसे। वन माइनस सी, वन माइनस ए बचेगा, यही लिखना है बस मुझे, वन माइनस सी, वन माइनस ए। सॉल्व करिए, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस सी, और ये ऐसे आएगा तो ये माइनस ए और माइनस, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी आएगा, वो माइनस सी इस माइनस से मिलके प्लस कर लेगा। तो इस तरह से ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस सी, और फिर ये सी माइनस ए, जो उन्होंने बोला था ना इवेल्यूएट करिए, तो देखो हमने जो डिटर्मिनेंट मुझे दी थी उसको हमने इवेल्यूएट किया, और इवेल्यूएट करके हमारा आंसर कितना बना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बन गया। यहाँ के बाद हम चाहते तो R1 में R2 या R2 में R1 माइनस करते तो एक जीरो यहाँ फिर बना लेते हैं, लेकिन इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं रहा। अच्छा, आप यहाँ जीरो बना भी लेते तो आप एक्सपेंड करने से बचते नहीं, एक्सपेंड आपको उसके बाद भी करना पड़ता। तो मुझे यही लगा कि जब डिफिकल्ट यहाँ से भी नहीं है तो क्यों हम एक स्टेप को एक्स्ट्रा करें और उसके बाद एक्सपेंड करें, यहीं से एक्सपेंड करके आंसर निकाल लो। मैंने कर दिया, चाहो तो कर सकते हो आप। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 13 एंड आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 13 भी अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आज हम क्वेश्चंस लाए हैं। अभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें बच भी जाएंगे, लेकिन अब उनको अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर वो एग्जाम्पल भी मैं ले आता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं केवल 14 एग्जाम्पल तक लाया था। एग्जाम्पल्स इसमें और भी अभी हैं, इसको मुझे प्रूव करना है। तो चलिए देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो ये क्या मिलेगा, बी प्लस सी, ए ए बी, यहाँ पर सी प्लस ए, ये बी, ये सी कर लेंगे, ये सी कर लेंगे, ये ए प्लस बी आ जाएगा, इस तरह से आया। अब इसको सॉल्व करके 4ABC लाना है। आप चाहें तो कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके आप अगर जीरो बन रहा है बना ले थोड़ा बहुत, अगर बन सकता है तो ठीक है। तो एक काम कर लिया जाए कि बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस सी, चलिए कुछ करते हैं। जैसे इसमें आप इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये बी प्लस सी माइनस ए और बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ एक जीरो मिल जाएगा आपको, बी प्लस सी माइनस ए माइनस ए। आप कुछ भी करिए कुछ तो, हाँ आप ऐसे कर लो, R1 में इसे और इसे दोनों को माइनस कर दो। चलिए ये सबसे बेनिफिशियल होगा, आप सोच समझ के देखो। जो हम पहले सोच रहे थे कि हम कॉलम में ये कर ले, वो उससे भी आंसर आता हमारा, लेकिन होता है ना कि कभी कोई प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है, कोई रास्ता हमारा जो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एक दो स्टेप लंबा पड़ जाता हमारे लिए, पर ये ज़्यादा आसान रहेगा सबसे कि आप इसमें R1 में R2 R3 दोनों ही माइनस कर दो। देखो कैसे, तो R1 changes to R1 माइनस R2 और माइनस R3। R1 में बाकी दोनों रोज माइनस कर देंगे, बी प्लस सी में बी और सी माइनस करेंगे। तो बेटा बी प्लस सी में बी माइनस करेंगे, सी भी, ऐसे कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। देखिए ठीक है, ए में ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो ए में माइनस होगा माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ओ आई एम सॉरी, नहीं ये भी नहीं घटेगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू सी। ए में इसको और इसको दोनों को माइनस करना है, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी,
इस बार माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस टू बी, ये आ गया। और बाकी में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो बाकी को आप ऐसे ही लिख सकते हैं बी, दिस इज सी सी ए प्लस बी। अब देखिए और कुछ सोचिए कि क्या आप और नंबर्स को छोटा बना सकते हैं, और नंबर्स को छोटा बनाने के लिए आपको ये कर लेना चाहिए कि आप यहाँ एक ज़ीरो बना सकते हैं वैसे, या तो यहाँ एक ज़ीरो बना सकते हैं पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब ऐसा कर लो, अगर जैसे आपको जैसे यहाँ तक पहुँचे आप, आपको आगे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, या अगर समझ में भी आ रहा है तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हम छोटा बनाने जाएंगे तो छोटा तो बनेगा लेकिन थोड़ा बड़ा भी होगा, कहीं ना कहीं कुछ स्टेप अगर बनेंगे तो कुछ बिगड़ भी सकती हैं। जैसे इसको जीरो बनाने के चक्कर में बाय चांस मैंने इसमें टू से मल्टीप्लाई किया और इसमें इसको ऐड किया, तो यहाँ का जो जीरो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो यहाँ टू भी आ जाएगा ना, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनमें आपस में मल्टीप्लाई, इनमें आपस में सब्ट्रैक्ट करने से कुछ मुझे लग नहीं रहा कि हासिल होगा, तो आप ऐसा करो और सी वन के लॉन्ग एक्सपेंड ही कर दो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर देता हूँ, तो एक्सपेंडिंग जहाँ तक आपको लगे कि आप सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व करिए, जब आपको लगने लगे कि आगे की स्टेप नहीं समझ आ रही क्या करा जाए, हम एक एलिमेंट बनाने चलते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है और दूसरा बनाने चलते हैं तो पहला बिगड़ जाता है, तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे एक्सपेंड कर दो बस, ओके। अब बिल्कुल परेशान मत हो, जहाँ तक आपको लगे कि आप बना सकते हो बनाइए, और जब आपको लगने लगे नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं क्या होगा, तो बस एक्सपेंड कर दीजिए। सीवन के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो सीवन के एलिमेंट्स के साइन देखेंगे, डायगनल प्लस माइनस प्लस आएगा। इसके बाद मैं सीवन के लॉन्ग एक्सपेंड करूँगा, सीवन का फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो है, जीरो को लेके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं, वो जीरो ही हो जाना है। अगला एलिमेंट माइनस बी लेना है, अब दोनों तरफ से माइनस बी को कवर कर दिया जाएगा, ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये बचेगा माइनस टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस टू बी सी ए प्लस बी सी और ये ए प्लस बी, ये आ गया इस तरह से। अब ये एलिमेंट को हमने ले लिया, इसके बाद अगला एलिमेंट मुझे सी लेना है, और वो तो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है आपको, दोनों तरफ से सी को कवर कर दें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से, ऐसे माइनस टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस टू बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए और यहाँ पर बी आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, ज़रूरत है नहीं, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, माइनस बी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस टू ए सी माइनस टू सी को इसे करेंगे माइनस टू ए सी माइनस टू ए सी माइनस टू सी को बी से करेंगे तो टू बी सी माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू बी सी आएगा पर प्लस का हो जाएगा माइनस की वजह से, ये प्लस सी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू बी सी माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये टू बी सी प्लस टू ए बी। अब आप देखें माइनस टू बी सी प्लस टू बी सी कैंसिल माइनस टू बी सी प्लस टू बी सी कैंसिल, माइनस बी को माइनस टू ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू ए बी सी, फिर टू ए बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टू ए बी सी आ गया, टू ए बी सी प्लस टू ए बी सी ये बन गया फोर ए बी सी, फोर ए बी सी बन गया। और बेटा आप देख सकते हैं यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, देखो 4abc ही लाना था आपको, बस यहाँ थोड़ा सोच समझ के करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगता है फिर इसके बाद ये लिखा जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सोच समझ के करिएगा कि साइन को देखते रहिएगा, नहीं तो आपसे गलती होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 14 आ गया, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसे और सही से करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैंने बस सही से क्या बस मैंने इतना किया है, मैं एक काम करता हूं ना, मैं थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ाना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे,
तो एक स्टेप मैं यहाँ पर बढ़ा के ये करना चाहता हूँ माइनस बी। देखो माइनस टू सी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू ए सी, माइनस टू सी को ये करेंगे तो माइनस टू बी सी, माइनस लगाएंगे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस टू बी सी। ऐसे बस ये नहीं किया था मैंने, डायरेक्ट माइनस माइनस करके प्लस कर दिया था सी। वैसे ये सब आता है इसलिए मैंने नहीं करा आपको, माइनस टू बी सी माइनस, अब माइनस टू बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू बी सी, माइनस टू बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए बी, इस तरह से। और उसके बाद ये माइनस टू बी सी है, ये माइनस दोनों को प्लस कर देगा, तो उसके बाद ये स्टेप आपकी बनी बनाई है। तो इस तरीके से 14 नंबर एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया। बस इस एक्सरसाइज में वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ आपको करते चले जाना है। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं वो यूज़ करो, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी लगने से हमारा क्वेश्चन आसान होगा वो लगाओ आप। और इस तरीके से देखो एग्जाम्पल नंबर 6 से हमने स्टार्ट किया था, एग्जाम्पल नंबर 7 किया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 नंबर तक के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं। 14 नंबर से आगे जो एग्जाम्पल होंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और भी करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, चलते हैं मिलते हैं अगली क्लास में। पर चलने से पहले फिर से मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप सभी लोग अपना अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, आप सभी लोग हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज इतना ही रखेंगे, चलते मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।